नमस्कार, मैं प्रेक्षा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। सागर के मकरोनिया क्षेत्र में आज राजस्व विभाग का शिविर आयोजित किया गया, जिसमें मकरोनिया क्षेत्र से जुड़ी राजस्व समस्याओं का हल किया गया। SDM, नायब तहसीलदार एवं अन्य पदाधिकारी गण उपस्थित रहे, साथ ही लोक सेवा केंद्र का भी यहां पर आयोजन किया गया। अपनी समस्याओं का हल निकालने के लिए माननीय विधायक प्रदीप लारिया जी के माध्यम से लोगों को शिविर का लाभ मिला। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट, देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नामांतरण जो रजिस्ट्री के आधार पे होते हैं, या जो बालगी से नाबालगी से बालगी हो गए या जो फौती हो गए, उनके लिए शासन ने 30 दिन का समय निर्धारित किया है। ये आप आवेदन लोक देकर वहाँ पे पावती लेके और 30 दिन के बाद फिर आप लोक सेवा केंद्र में जाएं, और अगर आपको सेवा डिलीवर नहीं हुई है, अगर आपको ये सेवा डिलीवर नहीं हुई है तो फिर आप उसके प्रथम अपीली अधिकारी जो आपके पावती मिल रही है उसमें लिखा हुआ है, राजस्व के मामले में प्रथम अपीली अधिकारी जो है वो SDM, फिर वो हम अपील में दर्ज करके ऑर्डर करेंगे। और जितने दिन सेवा रहा हो गई है तो पर डे जो है 250 रुपये सेवा के जो प्रदाता अधिकारी है उसके वेतन से काट के उसमें आपको दिए जाने का प्रावधान है, सेवा उपलब्ध करा देंगे। जाति में जैसे अब शासन ने बहुत ज्यादा सरलीकरण कर दिया है, अब उसमें 3 कैटेगरी कर दी है। एक सेवा जो है वो 3 दिन की है, दूसरी सेवा है वो 15 दिन की है, और तीसरी सेवा जो है वो 30 दिन की है। पहले इसमें जो समय सीमा थी वो 1 साल थी, फिर सरकार ने उसको 6 माह किया, फिर 3 माह किया, अब जो अंतिम समय सीमा है